यूपी के सीतापुर में कोतवाली की मंडी चौकी के पास देशी शराब और शाहजहांपुर रोड पर अंग्रेजी शराब की दुकानों पर बिक्री जारी है। सीतापुर में कोविड गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लॉकडाउन के बीच देशी और अंग्रेजी शराब बेची जा रही है। और यूपी के सीतापुर से हमारे संवाददाता नैमिष शुक्ल फोन लाइन पर हमसे जुड़े हैं। नैमिष, आपसे जानना चाहेंगे, इस शिकायत के बाद किसी तरह की क्या कोई कार्रवाई की गई है? सर, हम आपको बता दें कि सीतापुर जिले में देसी शराब और विदेशी शराब की लॉकडाउन में लगातार बिक्री जारी है, लेकिन अधिकारी इस पर मौन धारण किए हुए हैं। जब अधिकारियों से कोई जवाब पूछा जाता है कि आखिर लॉकडाउन है, लॉकडाउन में डीएम के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, तो वो जो है कुछ भी बोलने को तैयार नहीं, वो केवल जो है सुन लेते हैं और उसके बाद में जवाब देने का नाम नहीं लेते हैं। और यहाँ पर न तो किसी प्रकार का कोई कोविड गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है, न तो लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है। केवल लोग जो है सरेआम भीड़ लगा करके वहाँ लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं और देसी मदिरा और विदेशी मदिरा की दुकानें बराबर धड़ल्ले से शराब बेची जा रही है, उस पर कोई अंकुश नहीं है। लगता यह है कि जो वहां पे मंडी चौकी है उसके चंद कदम दूरी पर जो शराब की दुकानें एक शाहजहांपुर रोड पर है, जो जो विदेशी मदिरा की दुकान है और एक हरदोई रोड पर है, वहां पर भी जो है जारी है। लगता है इन लोगों की मिलीभगत है जिससे ये कोई जवाब देना नहीं चाहते हैं। बहुत शुक्रिया नमेश हमसे जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि डीएम के आदेश हैं, उसके बावजूद धड़ल्ले से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं कोविड गाइडलाइन की। फिलहाल इन पर कार्रवाई का इंतजार है, क्योंकि इसकी वजह से कोरोना के बढ़ते हुए आंकड़े कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं और शराब की दुकानों के लिए भी समय निर्धारित किया गया है, लेकिन यहाँ पर दिन भर शराब की दुकानें खुली रहती हैं।